तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले का फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप में सन ऑफ बिहार के नाम से फेमस पत्रकार मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत मामला दर्ज किया गया है। मनीष कश्यप पर लगा NSA एक्ट क्या है और ये कितना खतरनाक है, आइए आज हम आपको बताते हैं। NSA एक ऐसा कानून है जिसमें प्रावधान है अगर किसी व्यक्ति से सरकार को देश पर खतरा महसूस होता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। कोई खास खतरा महसूस होने पर पुलिस उसे इस कानून के तहत हिरासत में लेती है। मनीष कश्यप को भी इसी कानून के तहत हिरासत में लिया गया है। इस कानून को 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार में बनाया गया था। इस कानून के तहत देश हित में किसी भी संदिग्ध को गिरफ्तार करने की इजाजत इसमें सरकार को मिलती है। इसी के साथ NSA के तहत संदिग्ध को 3 महीने के लिए बिना जमानत की हिरासत में रखा जा सकता है और बिना आरोप तय किए गए हिरासत में रखने का प्रावधान भी इस कानून में है। मनीष कश्यप के केस में पुलिस अधीक्षक शिव प्रसाद ने बताया, तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी मजदूरों पर हमले का फर्जी वीडियो वायरल करने वाले मनीष कश्यप को NSA अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया है, जिसमें उन्हें 15 दिन के न्यायिक हिरासत में कारागार में भेज दिया गया है।